Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video I am going to show you what I ordered versus what I got from Meesho. Let's start with this kurta set. 3-piece kurta set hai jisme aapko dupatta bottom aur kurta milega. Iski price jo hai wo hai 665 rupees. मैंने अभी तक किसी भी पार्सल को अनपैक नहीं किया है, तो फटाफट इसको अनपैक करके देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। सबसे पहले ये कुर्ता है और साथ में इसकी एक पैंट भी है और एक दुपट्टा, जो कि हमने फ़ोटो में भी देखा था। सबसे पहले हम कुर्ता देखते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी हुई है, सिंपल डिटेलिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पैंट जो है वो इसकी पूरी सिंपल है, प्लेन है, लेकिन जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ में अगर दुपट्टे की बात करें तो इस दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है। मुझे प्योर कॉटन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। समर में आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं, लाइक आपको बिल्कुल भी गर्मी और ऐसा कुछ फील नहीं होगा। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, प्रिंट भी काफ़ी अच्छी दी हुई है इसके अंदर। अब हम इसके दुपट्टे का फुल लुक देखते हैं। इसका जो मटेरियल है वो रेयन है और जो इस कुर्ते की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्लीव्स इसके सिंपल है, लेकिन नेक में जो है इसके थ्रेड और मिरर वर्क की डिटेलिंग दी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसका कलर जो है वो भी यूनिक है, साइज़ 38 है। यहाँ सेकेंड जो मैंने ऑर्डर किया था वो थी एक ब्लैक फ्लोरल गाउन, जिसकी प्राइस थी ओनली 397 रुपीज़। लिंक इन सब के मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम देयर। वीडियो के एंड में इसका ट्राई ऑन भी ऐड कर दूँगी मैं। साइज़ जो इसकी थी वो मैंने एस साइज़ ऑर्डर किया था। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है, वी नेक गाउन है, दिखने में काफ़ी सिमिलर लग रहा है। स्लीव्स इसकी प्लेन है, फुल लेंथ गाउन है ये। इसका ट्राई ऑन करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस, जिसकी प्राइस थी 300 रुपीज़ ओनली। जल्दी से इसको अनपैक करते हैं। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, फ्लोरल प्रिंट है, वाइट कलर है, इवन इसका जो नेक है वो वी नेक है, आलिया कट डिज़ाइन दी हुई है इसमें। साइज़ इसका मैंने एस ऑर्डर किया था। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो ये, तो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में मुझे रिसीव हुआ है। फैब्रिक जो है वो इसका पॉली कॉटन है, लेंथ इसकी अबाउट नी लेंथ है। जल्दी से इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। नेक्स्ट पार्सल अनपैक करते हैं। इसके अंदर मैंने एक जंप सूट ऑर्डर किया था और जिसकी प्राइस थी ओनली 450 रुपीज़। इसके अंदर मुझे रिसीव हुआ था पैंट और बॉटम अलग से, साथ में एक बेल्ट भी था। टॉप जो था उसका, इसके स्लीव्स में इलास्टिक के काफ़ी अच्छे डिज़ाइन दी हुई थी। फ्रंट में वी नेक थे और बटन्स से डिज़ाइन किया हुआ था। साइज़ मैंने इसका एस मंगाया था। इसकी पैंट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, फिटिंग भी एकदम परफेक्ट थी। साथ ही में अगर आप नॉर्मली अगर आप ऐसे पैंट्स अलग से बाय करोगे तो 400 रुपीज़ तक में आपको सिर्फ पैंट की प्राइस मिलेगी, लेकिन 450 रुपीज़ में पूरा जंप सूट आपको मिल रहा है, जो कि बेस्ट परचेज हो सकता है आपके लिए। इसका पूरा ट्राई ऑन करके देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। जिसकी प्राइस थी 450 रुपीज़। एस साइज़ ऑर्डर किया था मैंने इसका, बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि फ़ोटो में बताया हुआ था। इसकी पैंट और उसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी, ऑल्सो इसके अंदर पॉकेट्स भी अवेलेबल थी। इसका जो टॉप था वो नी लेंथ टॉप था, फ्लैड पैटर्न में था। नेक इसका शर्ट पैटर्न का था, बटन्स के साथ था। स्लीव्स जो इसकी थी वो फ्लैड थी। फैब्रिक इसका रेयन था। उसके बाद जो मैंने ऑर्डर किया था वो था ये 3-पीस कुर्ता सेट,
जिसकी प्राइस थी ओनली 550 रुपीज़। इसको जल्दी से अनपैक करके देखते हैं। हेयर इज़ द कुर्ता पैंट एंड दुपट्टा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ये कलर्स जो है इसके काफ़ी मिनिमल कलर्स है। साइज़ मैंने इसका M ऑर्डर किया था। सबसे पहले हम इसकी पैंट देखते हैं कि वो कैसी आई है। पैंट की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, प्लेन पैंट है। लाइनिंग के साथ पॉकेट्स अवेलेबल है और फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है। क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो 10/10 है। अब हम देखते हैं इसका दुपट्टा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एकदम सॉफ्ट मटेरियल वाला इसका दुपट्टा है। कोटा डोरिया इसका फैब्रिक है। प्रिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। फ्लोर बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे मिनिमल लुक दे रहा है। अब हम उसके कुर्ते का देखते हैं फुल लुक। वी नेक है, स्ट्रिप्ड के साथ डिज़ाइन किया हुआ है इसको। फुल लेंथ है पूरा कुर्ता, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस मुझे जो इसकी स्लीव्स है वो अगर सिंपल होती तो ज़्यादा बेटर लगती। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लेयर ऐड कर लिया है, जो मुझे थोड़ा कम पसंद आ रहा है। डबल लेयरिंग करी हुई है बॉटम और कुर्ते के फैब्रिक के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर ये सिंपल होता तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता। इसका ट्राई ऑन देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है।